बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल omja.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वैजयंती माला के बारे में कि वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है। नाम ही है वैजयंती माला, मतलब विजय दिलाने वाली माला। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अति प्रिय है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब पहली बार राधा और सखियों के साथ रासलीला खेली थी तब राधा जी ने उन्हें वैजयंती माला पहनी। तो आप समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण को ये कितना प्रिय होगा। इसके बेनिफिट्स जानकर आप और भी अचंभित होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने पहना तब तो आकर्षण तो आ ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण की हर चीज़ जो उन्हें पहनी हुई है, यदि हम उन पर गौर करेंगे तो कोई ना कोई उसका वजह होता है। तो वैजयंती माला भी में भी ऐसा ही है। इससे विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं यदि आप इसे धारण करते हैं तो। दूसरा इसका फायदा यह है कि हमें मानसिक शांति मिलती है जो कि अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण इसे दो कारणों से पहनते थे। पहला, वैजयंती माला में शोभा, सौंदर्य और माधुर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी छिपी रहती हैं और भगवान श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा जी का निवास है, तो इसमें लक्ष्मी जी ने अपनी जगह बना ली ताकि वो हमेशा भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के वच स्थल के पास रहें। भगवान श्री कृष्ण दूसरी कारण जो पहनते थे वो ये था कि हमेशा राधा उन्हें याद रहें। इससे मेमोरी पावर बढ़ता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है और चूंकि इसमें लक्ष्मी का वास है तो यदि आप पहनते हैं तो आपके बिजनेस में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी होगा, धन की कमी ऑटोमेटिक दूर होती है, ये हमारा शास्त्र कहता है। वैजयंती माला धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है और मानसिक शांति तो आपको मिलेगी ही। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस वैजयंती माला में पांच प्रकार की मणियों को गूंथा जाता था जो पंच महाभूतों का प्रतीक है, जिसमें इंद्र, नीलमणि, मोती, पद्मरागमणि, पुष्पराग, वज्रमणि अर्थात हीरा। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे इसका कितना महत्व रहा होगा। और एक कथा के अनुसार तो इंद्र ने अहंकारवश वैजयंती माला का अपमान कर दिया था तो माता लक्ष्मी ही उनसे रुष्ट हो गई थी और फिर इंद्र को दर दर भटकना पड़ा था। तो ये कहानी भी है। वैजयंती के फूल और माला अति शुभ और पवित्र होते हैं और वैजयंती फूलों का बहुत ही सौभाग्यशाली वृक्ष भी होता है। आप इसको कभी भी सोमवार को या शुक्रवार को गंगा जल से शुद्ध करके आप बिल्कुल पहन सकते हैं और इसे बनाने वाले लोग कभी भी गिन के नहीं बनाते कि चलो 108 बनाना है, बस वो बना देते हैं, चाहे 90 हो या 100 हो या 115 हो या 120 हो, ये पवित्र ही इतना है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।